इंडिया वीज वेस्ट इंडीज फर्स्ट ओडी। भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 5 विकेट से जीत लिया है। बारबाडोस के कैंसिंगटन ओवल में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज ने 114 रन बनाए। भारत ने 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया और 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। भारत ने वेस्ट इंडीज को हराया। भारत ने वेस्ट इंडीज को 5 विकेट से हरा दिया है। रोहित शर्मा ने चौका लगाकर भारतीय टीम को जीत दिलाई। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। वेस्ट इंडीज ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 114 रन बनाए थे। वेस्ट इंडीज के लिए सबसे ज्यादा 43 रन कप्तान शाई होप ने बनाए थे। वहीं भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने 3 और कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए थे। इसके जवाब में भारत ने ईशान किशन के 52 रन के दम पर 5 विकेट पर 118 रन बनाए और मैच जीत लिया। वेस्ट इंडीज के लिए बुधाकेश मोती ने 2, जायदन सज और यानिक ने 1-1 विकेट लिया। भारतीय टीम ने इस मैच में गेंद के साथ कमाल का प्रदर्शन किया और वेस्ट इंडीज को छोटे स्कोर पर रोका। हालांकि इसके बाद टीम इंडिया ने बल्लेबाजी क्रम में काफी प्रयोग किए। रोहित शर्मा और विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए आने के मूड में नहीं थे। ईशान और गिल ने पारी की शुरुआत की। सूर्य कुमार 3rd नंबर पर आए, हार्दिक 4th और जडेजा 5वें नंबर पर आए। शार्दुल ने 6th नंबर पर बल्लेबाजी की। हालांकि भारत के 5 विकेट गिरने के बाद कप्तान रोहित को बल्लेबाजी के लिए आना पड़ा और उन्होंने मैच समाप्त किया।